रिपोर्ट। बरमकेला तहसीलदार ने बिना मंडी टैक्स पटाए गेहूं को उड़ीसा ले जा रहे ट्रक को जब्त किया है, जिसमें 470 बोरी गेहूं लोडिंग थी। फिलहाल तहसीलदार द्वारा मंडी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गेहूं को बरमकेला उपज मंडी में सुपुर्द कर दिया है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बरमकेला ब्लॉक के झिकीपाली बेरियल के पास 3 शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी तैनात की गई है। ओडिशा सीमावर्ती होने के कारण इस रास्ते में कई बड़े बड़े गैर कानूनी कार्य होते हैं, जिसकी सघन जांच कड़ाई से यहां होती है, जिससे आज बरमकेला छत्तीसगढ़ से ओडिशा जाते ट्रक वाहन क्रमांक CG10C7052 को जाँच किया गया, जिसमें 470 बोरी अवैध रूप से परिवहन करते ओडिशा ले जाया जाना पाया गया, जिसकी पूछताछ पर वाहन चालक विशिकेशन चौहान के द्वारा बताया गया कि मालिक मीना अग्रवाल पति मुकेश अग्रवाल निवासी बरमकेला का गाड़ी है। उक्त वाहन पर 470 बोरी गेहूं पाया गया और बिना मंडी शुल्क अदा किए शासन के आंखों में धूल झोंक कर ओडिशा ले जाते हुए पकड़ाया, जिससे बरमकेला तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही करते हुए कृषि उपज मंडी बरमकेला के सुपुर्द कर कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही करके कार्यालय को सूचित करने को कहा। ये जो एक ट्रक रात को SST टीम द्वारा रोका गया था और सुबह मुझे इन्फॉर्म किया गया, सुबह 8 बजे आकर मैंने चेक किया तो इसमें मंडी टैक्स का जो पट्टा है वो इसमें पटा हुआ नहीं पाया गया। लगभग 470 बोरी जो है इसमें उड़ीसा जा रहा है, इसको जब्त करके कृषि उपज मंडी बरमकेला के सुपुर्द कर दिया गया, ताकि मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। देखिए जैसे बाडा इलाका है, यहाँ पे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कौन कौन से विभाग की टीम तैनात की जाती है, कितने शिफ्ट में होते हैं? यहाँ SST की टीम वर्तमान में तैनात है जो 3 शिफ्ट में काम करती है। इसके अतिरिक्त फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी लगातार पेट्रोलिंग करती है बाडा इलाका। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 20।